नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन द्वारा आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था 12 तार वाली समर्सिबल मोटर का स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन। आज मैं आपको बताऊंगा स्टार डेल्टा कनेक्शन, जिसको डबल डेल्टा कनेक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ सेट्स बनाए हैं। सेट तो ये जितने भी सेट हैं सभी दो दो कॉयलों के हैं। ठीक है, टोटल 6 सेट मैंने यहाँ पे बनाए हैं। तो समर्सिबल मोटर के अंदर जो 24 स्लॉट की मोटर होती है, उसमें ऐसा ही होता है कि दो दो कॉयलों का एक एक सेट होता है। ठीक है, दो कॉयलों से मिलकर एक सेट बनता है, और इस तरह से 6 सेट होते हैं। टोटल 12 तार निकलते हैं, 6 इनर 6 आउटर। ठीक है, तो उसका मैंने स्टार और डेल्टा तो बता दिया था। स्टार में कैसे करें, डेल्टा में कैसे करें, आज बताएंगे स्टार डेल्टा, यानी कि डबल केबल में जोड़ना। मोटर के अंदर डबल केबल लगती है ना, 10 HP में, 10 HP से ऊपर की मोटर जो होती है उसमें 10 HP या 10 HP से ऊपर की में डबल केबल निकलती है, तो उसमें कनेक्शन होता है डबल डेल्टा, या उसको बोलते हैं स्टार डेल्टा। ठीक है, तो वो कनेक्शन आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चाहे आपकी मोटर में 6 तार निकले हो, 12 निकले हैं, मैं 12 से बताऊंगा। कई होते क्या है कि यहाँ पे देखिए, आमने सामने जो सेट होते हैं, इनके जो तार होते हैं वाइंडिंग के वक्त, कई तो क्या करते हैं कि जो सेट बनाते हैं, जैसे एक ये है, दो कॉयलों का सेट एक ये है, उसका जो तार होता है बीच से कट नहीं करते हैं। ये जो तार होता है कनेक्शन का, इसका 1 से 3 वाला, वो कट नहीं करते हैं सभी का। तो मोटर के अंदर टोटल वाइंडिंग के बाद फिर ओनली 6 तार ही निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे 12 तार हैं, क्योंकि अंदर के तार भी मैं आपको जोड़ के बताऊँगा, करके बताऊंगा कनेक्शन। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें। फिर या तो आपकी समर्सिबल मोटर हो 3 फेस में, या आपकी पनडुब्बी समर्सिबल मोटर हो, या चैन वाइंडिंग हो, सभी में इसी तरह से कनेक्शन होंगे, चाहे 24 स्लॉट में हो या उससे ज़्यादा स्लॉट की कोई मोटर हो। ठीक है, चाहे किसी भी तरह की है जिसके अंदर इस तरह से 6 सेट हैं, उस मोटर में आप ये कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे नंबर वाइज मैं इस पे मार्क कर देता हूँ। सेट नंबर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सेट मैंने मार्क निशान लगा दिए। ठीक है, इस तरफ हम कनेक्शन करेंगे, 1 से 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो सभी सेटों के अंदर दो दो पॉइंट है, दो दो तार हैं, एक इनर तार है, एक आउटर तार है। ठीक है, जो ये जो अंदर की कॉइल है इसको आप छोटी मान लो, और ऊपर वाली जो लाइन बन रही है इसको आप बड़ी कॉइल मान लो। तो जो छोटी कॉइल होती है उसमें जो आप डालते हैं, तो इनर तार होता है ये पहला तार, और जब निकलता है बड़ी से, इस वाली से, तो वो आउटर होता है। ठीक है, इसी तरह से सभी में। ये इनर तार हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इधर का जो तार है वो आउटर तार है। ठीक है, इन सभी में भी इसी तरह से है। वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन कंप्लीट आप सीख जाएंगे इससे कनेक्शन करना। फिर दूसरे सेट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी जो फर्स्ट तार है वो इनर है, छोटी कॉइल का ये इनर है, वो इधर का आउटर है। तो सभी में इसी तरह से हैं। इस वाली में भी ये जो तार है इनर है,
और बड़ी वाली का आउटर है। फिर इस तरफ चलते हैं, ये तार इनर है, ये वाला आउटर है। ये तार फिर इनर है और इससे बड़ा बड़ा वाला कॉइल का आउटर है। तो सबसे पहले जो 12 तार हैं मोटर के अंदर, 6 इनर 6 आउटर, उनमें से हमें आउटर आउटर को कम्प्लीटली कनेक्शन पहले देना है 6 तारों को। तो पहले वो देखिए, सबसे पहले आपको देखना ये है कि इस तरह से रिवाइंडिंग के बाद इस तरह से होते हैं कॉइल एंड सेट, और सभी में दो दो तारे आपको दिखेंगी। तो सबसे पहले आपको पहला वाला सेट पकड़ना है, या किसी को भी पकड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं और पहले का आउटर तार आपको पकड़ना है और ये देखना है कि पहले के बिल्कुल सामने, जस्ट सामने कौन सा सेट है। तो पहले के सामने चौथा है, ठीक है। तो पहले के सामने चौथा है, तो पहले का आउटर चौथे के आउटर से जोड़ देना है, आउटर आउटर जोड़ने हैं दोनों के, इसका आउटर इसके साथ, इसका आउटर इसके साथ, ठीक है। इनर इनर को छोड़ देना है, आउटर आउटर जोड़ देना है। तो यहाँ पे मैं इस साइड में थोड़ी जगह छोड़ दूंगा, क्योंकि बाहर की कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा केबल में जोड़ के, इसलिए मैं आउटर की कनेक्शन अंदर की तरफ ही आपको बता देता हूँ। हमने इस आउटर तार को लिया यहाँ से, ठीक है, हम डायरेक्ट इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, आउटर आउटर से जुड़ गया है। अब इसी तरह इसका फिर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे के सामने है पांचवा, तो दूसरे का पांचवे के साथ आउटर आउटर जुड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी हम यहां से कनेक्टेड कर देते हैं। हमने इसको भी कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद चलते हैं तीसरे की तरफ, तीसरे के सामने छठा, तो इन दोनों का भी आपस में आउटर आउटर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमने सभी के आउटर आउटर जोड़ दिए हैं, टोटल 12 तार थे। अब हमारे पास इनर तार बचे हैं 6 ओनली। अब इनका हम देंगे स्टार डेल्टा कनेक्शन, या जिसको डबल डेल्टा बोलते हैं वो कनेक्शन। ये तो अंदर की मैंने बताए हैं, ठीक है। तो हमारे पास मोटर के अंदर दो केबल होती है स्टार डेल्टा कनेक्शन में, ठीक है, दो केबल होती है। तो मैं बना देता हूं यहां पे, केबल के अंदर तीन तार होते हैं वो बना देता हूं। रेड ब्लू एंड येलो, ठीक है। रेड ब्लू एंड येलो, इस तरह से तारे होती हैं। तीन तार यहां पे होगी, ये केबल नंबर 1 हो गया आपका।
है, ये केबल नंबर आपका वन है। अब मैं केबल नंबर टू भी यहाँ पे बना रहा हूँ। तो केबल नंबर टू इस साइड बना रहा हूँ, इस साइड बनाता हूँ। केबल के अंदर तीन तीन तारे हैं। ये केबल नंबर टू हो गया आपका, ये वन है ये टू है, ठीक है। तो ये मोटर से बाहर निकली होती है दोनों केबल, केबल वन केबल टू। बाहर इनका फिर छह तारों का तीन तार बाहर बना दिए जाते हैं, या डायरेक्टली जो स्टार्टर होता है छह तार वाला उसके अंदर लगा दिया जाता है, अगर छह तार वाला है तो वो भी मैं करके बता दूंगा आपको। अब इसके अंदर कनेक्शन देना है, इन केबल का दो केबल है। तो देखिए सबसे पहले साइड से ही हम शुरू करेंगे। पहले साइड का रंग मैंने जो है वो रेड बनाया है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ सके अच्छे से। इसलिए अब हम क्या करेंगे कि पहले साइड का जो इनर तार है, पहले साइड का जो इनर तार है उसको एक केबल में जोड़ेंगे। आपकी मर्जी है किस में जोड़ना चाहे, जो आप जोड़ना चाहे उसमें आप जोड़ सकते हो, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये कलर्स बनाए हैं। तो फर्स्ट से हम शुरुआत करते हैं। तो हमने इनर तार को लिया और केबल के अंदर हम दे रहे हैं। तो केबल के अंदर हम देंगे यहाँ पर रेड वाली के अंदर दे देंगे हम एक में, ठीक है। तो यहाँ पे आर पॉइंट ये रेड था, ठीक है, रेड केबल इसमें हमने दे दिया है पहले तार को, पहले सेट वाले को। अब दूसरा सेट पकड़ते हैं। दूसरे सेट का इनर तार है उसको भी इसी केबल में जोड़ना है, ना कि दूसरी केबल में, ये चीज ध्यान रहे। पहले सेट का, दूसरे का, तीसरे का, इनका एक एक तार एक ही केबल में जोड़ना है। कोई सा किसी में जोड़ सकते हो, वो आपकी ऊपर है, ठीक है। तो पहला लिया रेड में जोड़ दिया, दूसरे का हम पीले वाले में जोड़ देंगे। इस तरह से तो हमारे दो केबल, ये पॉइंट जो बन गया वाई पॉइंट आप इसको बोल सकते हो। अब बच गया एक तार और केबल का, इसमें हम तीसरे सेट का बचा तार जोड़ेंगे। तो ये तीसरे सेट का तार है, इसको हम इसमें कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सेट का एक एक तार हमने यहां पे जोड़ दिया है एक केबल के अंदर। अब बचता है चौथा पांचवा और छठा। अब आपको एक चीज देखनी है, एक मेन चीज जो आपको बताऊंगा, ध्यान से देख लीजिए। अब आपको इस साइड ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसा हमने पहले सेट का रेड केबल में तार जोड़ा था, पहले सेट का रेड केबल में तार जोड़ा था, तो इसके सामने जो सेट है, इसके सामने जो सेट है जिसमें इसका आउटर कनेक्शन है,
उसका भी रेड में ही जुड़ेगा दूसरी वाली में, दूसरी इससे अलग में नहीं आपको जोड़ना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे इसका पहले का जोड़ दिया रेड केबल में, केबल नंबर टू की में, तो इसका जो इसके जो सामने वाला सेट है जिसमें आउटर कनेक्शन है इस सेट का पहले का, तो उसका जो बचा हुआ इनर तार है ना वो दूसरी रेड में ही जुड़ेगा, दूसरे में नहीं जुड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मोटर में कैसे पता करेंगे? आप कंटिन्यूटी ले सकते हो कि कौन सा सेट कौन से जुड़ा है, यहाँ से और यहाँ पे मल्टीमीटर द्वारा। तो शुरू करते हैं उसी तरह से। अब चौथे का नंबर है तो चौथे का यहाँ पे रेड में आ जाएगा, क्योंकि इसके पहले वाले का भी रेड में जुड़ा था, इसलिए। ठीक है, ये फिर से वही आर पॉइंट बन गया है। और यहां पे लिखना भूल गया मैं, ये बी पॉइंट है ब्लू का। तो चौथे का इस तरह से जोड़ दिया है रेड में, क्योंकि चौथे के साथ वन कनेक्ट है, इसका भी रेड में है। तो अगर हमने पहले का अगर हमने किसी और कलर में लगाया होता तो इसका भी उसी कलर में लगता, तो ये चीज़ ध्यान देने योग्य है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखने काम रखो काम आएगी आपके। अब अगला चलते हैं पांचवे पे। तो पांचवे में देखिए, पांचवे के सामने दूसरा, दूसरे में इसका आउटर कनेक्शन है, तो दूसरे में हमने पीला केबल जोड़ा था, तो इसमें भी हम पीला ही जोड़ेंगे। इसमें भी हम पीला ही जोड़ेंगे। इस तरह से ये वाई पॉइंट हो गया। अब बचता है छठा, छठा हम बचे हुए नीले तार में जोड़ देंगे सेम टू सेम, क्योंकि इसके सामने तीसरा है, तीसरे का हमने नीले में ही जोड़ा था, और लास्ट में फिर बचा भी एक ही है, तो हम डायरेक्टली यहां से इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये बी पॉइंट हो गया, RYB RYB। ठीक है, टोटल छह तार मोटर के बाहर निकल गए, तीन एक केबल से, तीन दूसरी केबल से। अब इनके बाहर अगर आपके पास छह तार वाला स्टेटर है तो आप सीधा का सीधा लगा दें तारों को, अगर आपके पास तीन तार वाला स्टेटर है तो आपको इनके जो है रंग काटने होंगे बाहर। इस कनेक्शन को बोलते हैं डबल डेल्टा कनेक्शन या स्टार डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, अब इनको कैसे काटना वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए ध्यान से देखना है, केबल नंबर वन है, केबल नंबर टू है, तो आपको केबल नंबर वन का कोई एक तार पकड़ना है, कोई भी एक तार, जैसे आपने यहाँ पे सबसे पहले रेड ही ले लिया, रेड, तो आपने रेड ले लिया, ठीक है, और इस केबल का भी एक तार पकड़ना है आपको, रेड नहीं होना चाहिए, रेड के अलावा कोई और, क्योंकि रंग यहाँ पे रंग मिलने नहीं चाहिए दोनों केबल में, इस तरह से जोड़ना है आपको, अगर रंग मैच हो गए तो मोटर आपकी नहीं चलेगी। तो इस साइड से एक तार ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे रेड था तो यहाँ से हम ब्लू ले लेते हैं, और इनको आपस में जोड़ देते हैं, तो ये पॉइंट एक बन जाता है, फेस वन बन जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से केबल नंबर वन का ब्लू तार आपको लेना है,
और आपको इधर से भी एक तार लेना है, लेकिन ध्यान रहे कि तीनों तारों के रंग जो है वो कटने चाहिए, मैच नहीं होना चाहिए तीनों में से कोई भी। तो हम यहाँ से ब्लू ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम ब्लू ले रहे हैं और उधर से हम अगर रेड को लेते हैं तो ठीक है, यहाँ पे रेड जुड़ जाएगा, लेकिन फिर बचे हुआ पीला पीला आपस में मैच होगा, इसलिए हम रेड को नहीं लेंगे, पीले वाले को लेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हम यहाँ से पीला वाला ले लेंगे और इसमें डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ये जो पॉइंट बना है ये वाला, ये पीक टू पॉइंट है, फेस टू का पॉइंट, ठीक है। अब हमारे पास एक पीला तार बचता है, एक रेड तार बचता है। देखिए रेड के साथ हमने यहाँ पे ब्लू जोड़ा और ब्लू के साथ हमने येलो जोड़ा और येलो के साथ हम यहाँ पे रेड जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से इस तार को भी यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद बचा हुआ जो रेड तार है उसको वहां से हम ले लेंगे। कलर आपको काटने होंगे केबल के, और ये जो तार है इसको हम यहाँ पे पीले के साथ जोड़ देंगे। केबल नंबर वन का पीला यहाँ पे जुड़ गया है। अब बनता है ये एक और पॉइंट, इसको आप P3 बोल सकते हो। तो ये तीन है, फेस वन, फेस टू, फेस थ्री। इन तीनों फेसों के अंदर आपको करंट देना है और आपकी मोटर चलेगी, ठीक है। तो ये था दोस्तों स्टार डेल्टा, या इसको डबल डेल्टा बोल सकते हो, कनेक्शन है समरसीबल का, पनडुब्बी का, थ्री फेस मोटर का। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। कुछ कहना चाहते हैं वीडियो के बारे में तो, या कुछ और कुछ जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।